मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार किसानों को लाभान्वित करने के लिए लगातार योजनाएं बना रही है। मध्य प्रदेश सरकार किसानों को खेती नुकसान न दे और उसका लाभ मिले, इसके लिए जो योजनाएं बना रही हैं उनका लाभ भी किसान तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। हाल ही में प्रदेश सरकार ने काली सिंध, चंबल और पार्वती नदी को जोड़ने की परियोजना पर काम करना शुरू कर दिया है। इसके लेकर राजस्थान सरकार के साथ मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी सारे कार्ययोजना को तैयार करके विस्तार दिया है। इस योजना को लेकर क्या लोगों का क्या कहना है, इस योजना से कैसे लाभ मिलेगा, आइए जन चौपाल के माध्यम से हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं उनसे हम बात करते हैं। देखो, प्रदेश सरकार इस समय जो योजना चला रही है नदी जोड़ो, उससे किसानों को बहुत लाभ होगा। भविष्य में जैसे कोठा बैराज जगह जगह बनाए जा रहे हैं, चंबल से लिंक जो जोड़ा जा रहा है उससे भी सैकड़ों किसान लाभान्वित होंगे। हमारे यहाँ एक कोठा बैराज तैयार हो गया है और अभी एक योजना चल रही है पारासरी बेतवा जोड़ो, उससे 100 गांव से भी अधिक किसान लाभान्वित होंगे। सबसे बड़ी योजना आपकी चंबल और लिंक है, चंबल से जो जोड़ी जा रही है उससे लाखों किसानों को लाभ, और सरकार जो अभी आर्थिक लाभ भी दे रही है किसानों को, सब्सिडी भी दे रही है, तो जो छोटे किसान हैं वो संपन्न हो रहे हैं। जो कभी एक समय था कर्ज ले के ज़मीनें गिरवी रख देते थे, ज़मीनें बेच देते थे, आज वो किसान अपनी ही ज़मीन पर अपना उत्पादन बढ़ा रहा है, उससे उसको लाभ हो रहा है। किसानों के लिए है ना जो ऋण दे रही है सरकार, उसमें है ना किसानों के लिए जनहित है, उसमें है ना हर सुविधाएं हैं, उसमें आपका जो पानी का है ना बहाव है, नदियों को जो जोड़ा जा रहा है उसमें लाभ ही मिलेगा किसान को। और जो ऋण दे रही है सरकार ब्याज पे, वो ऋण सरकार के लिए उपलब्ध है। मध्य प्रदेश सरकार की जो कृषि नीति है और किसानों को खेती के लिए संसाधन, उपकरण और खाद बीज उपलब्ध कराने को लेकर जो काम हो रहे हैं, उससे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार जो पहले से ही अपनी एक योजना लेके चली है कि खेती को लाभ का धंधा बनाने वाली है, वो बिल्कुल उसी पे लगातार चलती जा रही है। अपनी नई नई योजनाएं लेके आ रही है जो किसानों की जन किसानों के लिए काफ़ी लाभ हो रहा है। जैसे एक समय था कि जो सिंचित खेती का रकबा बहुत कम हुआ करता था, लाइट की भी सुविधा नहीं हो पाती थी, लेकिन अब बराबर सब कुछ उन्हें एक बड़ा सिंचित रकबा भी हो रहा है। और जो जल से संबंधित हैं, नदी नहर योजनाएं हैं जो भी, वो भी काफ़ी उनका लाभ मिल रहा है उनके लिए। खेती एक लाभ का धंधा बनाने के लिए सरकार ने जो भी योजनाएं चला रही है बहुत अच्छे तरीके से चला रही है, और जो लागतें हुआ करती थी पहले के टाइम में वो अब बहुत कम होती जा रही हैं। सबसे बड़ी लागत हुआ करती थी पानी पहले देना, फिर फसल बोना, फिर पानी देना, फिर 3 बार पानी देना, फिर फसल तैयार होती थी। बहुत से किसान इसको पैसे से खरीद कर ही अपनी खेती कर पाते थे, जिससे कि कहीं ना कहीं उनके लाभ में कमी होती थी और कर्ज के रूप में उनके ऊपर कर्जा ज़्यादा ही चढ़ता जाता था। चूँकि छोटे छोटे डैम बन गए हैं, नदी नालों पे स्टॉप डैम बन गए हैं, हमारे क्षेत्र में भी 5-6 जगह कोटा बैराज टाइप से जो डैम बनाने की उन्होंने तैयारी करी है, और पाइपलाइन के द्वारा खेत हर खेत में वो लाइन डाल रहे हैं, जिससे स्वाभाविक सी बात है डीजल की बचत, दुनिया की बचत। इससे किसानों को कहीं ना कहीं लाभ का धंधा बनाने के लिए योजनाएं सरकार बहुत अच्छे से चला रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार अपनी कृषि नीतियों और जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ खेती को लाभ का धंधा बनाने में लगातार प्रयासरत है। हमने आज जन चौपाल के माध्यम से जाना किस तरह लोग उनकी योजनाओं को देखते हैं और उन योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं।